राम दीन के घर बेटा हुआ, उसकी खुशखबरी सुनाने लगा तो उसने लेकर के रापट मार दिया। बताओ ये भी कोई बात है? तो फिक्र मत कर, तेरे बड़े भैया आएंगे तो मैं उनसे नारायण की बात करूंगी। मैं नारायण की सारी बातें सुन चुका हूँ, सारा कसूर इसी का है। सरछत को छूने लगा, रकल घुटनों के ऊपर नहीं गई। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्या जरूरत थी मोहल्ले का अखबार बनने की? अरे नारायण ने तो एक थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारा मुंह इधर से उधर कर देता। बदतमीज, तुम भी इसी को डांट रहे हो? डांटू नहीं तो और क्या करूं, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। काम धाम कुछ करते नहीं हजरत, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गोलियां खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और जब कुछ वक्त बच जाता है तो नमक के ढेले उठा लाते हैं लोगों के जख्मों पर रगड़ने के लिए। नारायण बेचारे के घर 15 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है और यह वहां पहुंच गया ढोल बजाने के लिए। कल्लू, आज तो मैंने शिकायत सुन ली है लेकिन दोबारा नहीं सुनूंगा। क्या कह रहा हूं मैं? चाचू, तुमने वही किया ना जो दूसरे करते हैं। गुस्सा तुम्हें है अपने मालिकों पे, निकाला है अपने भाई पे। तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, वो भी इसी का कसूर है। घर में महीने भर के बजाय हफ्ते का भी राशन नहीं आया, वो भी इसी का कसूर है। तुम्हारे गुस्से और अपने दुख में वो कहीं चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अरे कहीं नहीं जाएगा वो अपने भाई को छोड़ के जा सकता है मगर अपनी भाभी को छोड़ के नहीं जा सकता। आ जाएगा। मिल मजदूर, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मिल मजदूर, मिल मजदूर, हमारी मांगे। औरत खराब नहीं मजदूर धाम है। मिल मजदूर, मिल मजदूर, औरत खराब नहीं मजदूर धाम है। बोनस खैरात नहीं मजदूर का हक है। मैं खुद भी यही मानता हूं, मैं इस मिल का नया मालिक हूं और तुम्हारे सब हक मानने को तैयार हूं। तुम लोगों का लीडर कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? शामू, बढ़ो। आप लोग 1 महीने का बोनस मांग रहे हैं, मैं 2 महीने का देने के लिए तैयार हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम इसी वक्त शुरू होना चाहिए। लेकिन हमारी एक मांग ऐसी है जो शायद आपने नहीं पढ़ी। कौन सी मांग? आपने जो कारखाना खरीदा है उसकी तमाम मशीनें या तो पुरानी हो चुकी हैं या उनमें जंग लग चुका है। किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, किसी मजदूर की जान जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि उन मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जाएं। नई मशीनें लगाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं मेरे पास। अगर अमीर के वक्त की कीमत होती है तो मजदूर की भी जान की कीमत होती है साहब। जब तक आपकी फैक्ट्री में नई मशीनें नहीं लगेंगी आपकी फैक्ट्री में काम नहीं शुरू होगा। ठीक है, मैं मजदूरों से पूछता हूं आप लोगों को क्या चाहिए। आपके लीडर को हड़ताल चाहिए, मैं मिल का मालिक हूं, मुझे काम चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या चाहिए, भूख या पैसा, हड़ताल या बोनस? तो फैसला हो गया, जिन लोगों को बोनस चाहिए वो अंदर जाए और जिन लोगों को हड़ताल चाहिए वो बाहर रुके। अब्दुल चाचा, ये मशीनें बदलने की मांग तो आपने की थी और आप ही। मैं भूला कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे याद आ गए। मैं अपनी जान पे खतरा लेना तो मंजूर कर सकता हूं लेकिन बच्चों की भूख नहीं, बच्चों की भूख नहीं।
जमाना सचमुच बदल गया। पहले नेता आगे चलता था और जनता पीछे, और अब जनता आगे चलती है, नेता पीछे। रेस के पुराने खिलाड़ी हैं आप, मगर आज चूक हो गई शानी सेठ। मैं अभी अभी मिल देख के आ रहा हूं। पूरे 15 लाख एक लंगड़े घोड़े पे लगा दिए हैं आपने। रावत, हमारी जिंदगी गुजर गई है रेस के मैदान में, और तुम नए रंग रूट हो, इसलिए जानते नहीं, जो लंगड़े घोड़ों पे जीतते हैं ना, वो बहुत जीतते हैं। और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम खेल कौन सा खेल रहे हैं। रावत, मैंने ये मिल सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए नहीं खरीदी। इन लॉरियों में वो सोना लदा है जो हमारे डोंगरी के गोदामों में बंद था और किसी वक्त भी पुलिस के हाथ लग सकता था। अब वही सोना इस मिल में तैयार किए हुए कपड़ों की कोख में छुपाकर मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। अपने दिल के अंधेरों में अपने खुदा को ढूंढ रहा हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि या अल्लाह, तेरे कर्म की बारिश होती है तो मुझ जैसे गुनाहगारों पर क्यों होती है, और तेरे कहर की बिजली टूटती है तो ऐसे फरिश्तों पर क्यों टूटती है। तुझे हाथ काटने ही थे तो मेरे हाथ काट डाले होते, उन हाथों को क्यों काट डाला जो उठते हैं तो तेरी बारगाह में दुआओं के लिए उठते हैं या दूसरों की जान बचाने के लिए उठते हैं। अरे मुन्नी बिटिया, दूध ले जाओ, दूध ले जाओ आके। लो भैया जी। नहीं भैया, अब हमें दूध नहीं चाहिए। अरे काहे नहीं चाहिए माँ जी, घर में जितने पैसे थे सब इनके इलाज में चले गए। अरे उधार ले लो माँ जी, अगले महीना दे देना तनख्वाह। माँ, तनख्वाह कहाँ से आएगी। नहीं भैया नहीं, अब हमें दूध नहीं चाहिए। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं, चुप हो जा मुन्नी, मुझे बहुत भूख लग रही है। दूध नहीं है ना। नहीं, दूध नहीं है। चाहिए। नहीं ना, मुझे दूध चाहिए। शांति।
कौन सा? ये वाली। चल हट जा हट जा हट। लगा 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 चल निकाल ले, निकाल ले, निकाल तू ले, निकाल ले, ले। भैया 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 ये क्या भैया आपको तो डॉक्टर ने उठने से मना किया था ये इतना बड़ा बोझ आपने कंधे पर उठा लिया एक चिल्लू दूध के लिए मुन्नी की आंख से जो आंसू गिरे उन आंसुओं का बोझ इस बोझ से कहीं ज्यादा था आप घर जाइए भैया चलिए घर जाइए ये बोझ मैं उठाऊंगा आज के बाद मुन्नी को चुल्लू पर दूध क्या जिंदगी में किसी चीज के लिए नहीं रोना पड़ेगा ले मुन्नी दूध जितना पीना है पी ले डॉक्टर अंदर है आपने ऐसी हालत में बोझ उठाकर अच्छा नहीं किया आपके जख्मों के टांके उखड़ गए हैं मेरी राय में आप दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और वो भी किसी बड़े डॉक्टर से ये ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब कम से कम 500 रुपए ये 500 रुपए हम कहां से लाएंगे पैसे मैं लूंगा भाभी पैसे मैं लूंगा सेठ जी सेठ जी मेरे भैया की जान बचा लीजिए उसके ऑपरेशन के लिए 500 रुपए चाहिए सेठ जी 500 रुपए हाँ सेठ जी सेठ जी ऐसे ही 500 रुपए में मेरे भैया की जान बच सकती है लेकिन तुम्हें देने के लिए 500 रुपए नहीं है मेरे पास देखो मैं एक सीधा साधा कारखानेदार आदमी हूं सारी दुनिया की जिंदगी और मौत का ठेकेदार नहीं हूं मैं और रही तुम्हारे भैया की बात भूल उसकी थी नुकसान मेरा हुआ 1000 रुपए का कपड़ा उसके खून के धब्बों से बर्बाद हो गया तो कोड़ी का नहीं रहा और मशीन उसकी मरम्मत के पैसे वो अलग सेठ जी मेरे लिए तो ऊपर भगवान है नीचे आप बीच में यमराज तलवार लेकर मेरे भैया व्यवहार कर रहा है मेरे भैया की जान बचा लीजिए सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूँ भीख मांगता हूँ सेठ जी मेरे भैया की जान बचा लीजिए बनवारी जी हजूर ले जाओ इसे और वो बोर्ड दिखा दो जो हमारे गेट पे लगा है कुत्तों और भिखारियों का अंदर आना मना है सेठ जी मेरी बात सुनिए सेठ जी मेरे भाई मेरे भैया की जान बचा लीजिए सेठ जी मैं आपसे भीख मांगता हूँ सेठ जी मेरे भैया की जान बचा लीजिए सेठ जी मैं आपसे भीख मांगता हूँ सेठ जी शाबाश भिखारी बन के आए थे पहले अब चोर बन के आए हो तरक्की कर रहे हो बरखुरदार सवाल अब भी वही है सेठ जी अपने भैया की जान बचाने के लिए 500 रुपए चाहिए सवाल अब भी वही है तो जवाब भी वही है तुम्हें रुपए देने के लिए नहीं है मेरे पास सेठ जी आपके यहां तो दौलत की गंगा बह रही है एक जलती हुई झुलसती हुई आग के लिए मैं पानी की सिर्फ 2 बूंदें मांग रहा हूं सेठ जी रुपए रख दो सीधी तरह से वरना जो बात मैंने कही है वो इस रिवॉल्वर को दोहरानी पड़ेगी सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी सिर्फ 500 रुपए में मेरे भाई की जान बच सकती है मैं आपके पास जोड़ता हूँ सेठ जी मैं आपके पास जोड़ता हूँ सेठ जी भाभी देख मैं 500 रुपए भैया नहीं भैया
भैया भैया इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी जिसने मेरे घर में चोरी की है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तूने मेरे भैया को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। मेरे भैया को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। शानी सेठ, शानी सेठ, तूने मेरे भाई को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। बच्चा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। मेरे भाई को तूने मार डाला शानी सेठ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। मुझे चाहता हूँ, बच्चा।